एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? निम्मुंदे ओंदु सण्ण प्रश्ने, ई एल्ल कळ्ळर हेसरु कूड मोदी 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 अंत याके बर्ता इदे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी जोश में थी। 2024 के लिए तैयारी चल रही थी, लेकिन सूरत कोर्ट के एक फैसले ने पूरा पासा पलट दिया। कल 2 साल की सजा हुई और आज लोकसभा सचिवालय से अयोग्यता का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चली। अब राहुल लोकसभा में बैठ नहीं पाएंगे, वह पूर्व सांसद हो गए हैं। तो बात यह है कि केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत कोर्ट की ओर से 23 मार्च को दी गई सजा के आधार पर वायनाड के संसद की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 1021E और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 का हवाला दिया है। आदेश की यह कॉपी राहुल गांधी को भी भेजी गई है। आखिर में उनके नाम के आगे पूर्व MP लिखा गया है। एक एक कॉपी राष्ट्रपति सचिवालय, PM सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है। कांग्रेस की सदस्यता खत्म करने के आदेश को NDMC, केरल के चुनाव अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी दफ्तरों में भेजी गई है। राहुल गांधी को कल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी। जैसे ही सूरत कोर्ट का फैसला आया, कानूनी विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि सजा का ऐलान होने के साथ ही अयोग्यता प्रभावी हो जाती है। जब लोकसभा के पूर्व महासचिव PDD आचारी से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कही। इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी सचिवालय से आदेश आ सकता है। कांग्रेस के लिए अब आगे क्या? राहुल गांधी अपील कर सकते हैं। हाँ, अगर शीर्ष अदालत में दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगती है तो अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। पूर्व महासचिव की बात से कल ही साफ हो गया था कि राहुल की सदस्यता अब नहीं बचेगी। उधर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP बघेल ने कहा कि देश संविधान से, कानून से, खास तौर से लोकसभा के कानून जनप्रतिनिधि अधिनियम से चलता है। सूरत की एक अदालत ने उन्हें, मतलब राहुल गांधी को, 2 साल की सजा दी और 2 साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के तहत जैसे ही सजा होती है उसी के साथ सदस्यता चली जाती है। आज लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अकेले उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आजमा खा के बेटे को भी सजा हुई तो सदस्यता गई, तो ये तो होना ही था। देश के कानून के सामने सब लोग बराबर हैं।